जब हम अपने बारे में सोचते हैं ना तो लगता है कि अरे बिहार बिहार का नहीं है कि उनको बिहार में काम करने के लिए कहा गया है। ये सोच ही पहले गलत है कि आपको देश के स्तर पर काम करना है। अब बिहार के जो मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के पॉलिटिशियन हैं, उनको तय करना है कि केंद्र में हमारे जो मंत्री हैं इनसे हम बिहार के लिए क्या करवा सकते हैं। ऐसा मानता रहा हूँ कि बिहार के विकास की दृष्टि से कृषि को कृषि पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। दूसरा कृषि के साथ जुड़ा हुआ है पशुपालन और कृषि से जुड़े हुए जो उद्योग हो सकते हैं, जो वहाँ के स्थानीय संसाधनों के आधार पर, स्थानीय स्किल के आधार पर उसका विकास किया जा सकता है। और उसके लिए आपके बिहार को MSME भी मिला है, आपको पंचायती राज मिला है, आपको पशुपालन मिला है और आपको डेयरी भी मिला है। तो ये तो साथ साथ आपके पास जो फूड प्रोसेसिंग जो उनको मिल रहा है, क्या नाम है, उपभोक्ता, चिराग पासवान को जो मंत्रालय है, फूड प्रोसेसिंग है, वो बहुत बड़ा मंत्रालय है। भारत में जाति व्यवस्था हमारे देश की ताकत रही है। अंग्रेज जाति तोड़ना चाहते थे, हम लोग कभी जाति तोड़ने के में पक्ष में नहीं था, जाति भेद खत्म करने के पक्ष था, क्योंकि जाति समाज की ताकत है उसी पर। आज तो लेकिन वैसी जाति है नहीं। तो वो जो हुआ है कि हर जाति का हमारे देश में कंट्रीब्यूशन है, देश में क्षत्रियों का, ठाकुरों का साधारण कंट्रीब्यूशन थोड़े है, देश को बचाने में, काम करने में हर जाति का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर अपमानित हुआ तो फिर बातचीत करके उसको खत्म करना, वो चीजें चलती है। अब कोई एक आदमी कोई बोल दे उससे पूरे भारत की जाति प्रभावित हो जाए कि हम इस सरकार के विरोध है, उतना ही नहीं है, इसके पीछे राजनीति हुई है। जानबूझ के इसको, इस देश में बहुत सारे देश विरोधी तत्व हैं, जो हमारे यहाँ के दिल्ली की लुटियंस मीडिया है, जिसको अरुण जेटली ने खान मार्केट गैंग कहा था, जिसको मोदी जी खान मार्केट गैंग कहते हैं, और हमारे अशोक श्रीवास्तव जी मित्र हैं, उनकी अभी एक किताब भी आई है खान मार्केट गैंग पर। तो ये जो खान मार्केट गैंग है ना, वो इन चीज़ों को आग लगाता है, उसको लंबे समय से एलर्जी है RSS से, BJP से, नरेंद्र मोदी से, वो सब कुछ सहन कर सकता है, देश नष्ट हो जाए लेकिन ये सत्ता में रहे तो उसको किसी भी प्रकार से बढ़ावा ना, वो जाति के संघर्ष पैदा कर सकते हैं, किसी जाति को भड़का सकते हैं, संप्रदाय को भड़का सकते हैं। तो उसके पीछे ये भी ताकत लगी है कि चार लाइन हो तो उसको पूरा सोशल मीडिया पर देश और दुनिया में चलाओ और भड़काओ। तो नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रियदर्शी, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हैं। मोदी सरकार मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर चुकी है। सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार कितने दिनों तक चलेगी। हालांकि नीतीश कुमार और नायडू ने यह साफ साफ कहा है कि हम आपके साथ हैं या यह सरकार 5 साल चलेगी। विभागों के बंटवारा को लेकर के कई तरह के सवाल लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। हम अवधेश जी से जानेंगे कि आखिर क्या जो जनता दल यू या TDP या सहयोगियों को जिस तरीके से मोदी सरकार ने विभागों का बंटवारा किया है वो कितना जायज़ है, और वह मतलब आने वाले समय में वे उससे कितना संतुष्ट होंगे या उससे नाराजगी बढ़ सकती है। मोदी सरकार ने विभागों का बंटवारा कर दिया, जैसा कि चल रहा था कि जदयू को रेल मिलेगा या अन्य जो कुछ ताकतवर विभाग है उस तरीके से मिलेगा। क्या लगता है आपको कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में 8 लोगों को तो मंत्री बना दिया गया, लेकिन जनता दल यू के पास, जो नीतीश कुमार के बारे में ये बहुत नोन है कि ये पलटी मार जाते हैं, तो जनता दल यू के पास ललन सिंह को जो विभाग मिला और रामनाथ ठाकुर को मिला, वो कितना ये कर पाएंगे, उससे संतुष्ट हो जाएंगे? देखिए, ध्यान रखना चाहिए कि ये मंत्री बिहार के हैं लेकिन इनको देश चलाने की जिम्मेवारी है, उसमें बिहार भी है, और आप बिहार से राजनीति करते हैं तो वहाँ का ध्यान रहेगा, लेकिन देश का है। और बिहार में कभी क्षेत्रवाद का भाव नहीं रहा है, कुछ ऐसे राज्य हैं जो हमेशा राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ चले हैं। बिहार में कभी कोई क्षेत्रीय आंदोलन नहीं हुआ, जो झारखंड का भी था वो आदिवासियों की दृष्टि से आंदोलन था, लेकिन कभी भारत को तोड़ के अलग कर दो इस प्रकार का कोई आक्रामक आंदोलन हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो इसीलिए जब हम अपने बारे में सोचते हैं ना तो लगता है कि अरे बिहार बिहार का नहीं है कि उनको बिहार में काम करने के लिए कहा गया है। ये सोच ही पहले गलत है कि आपको देश के स्तर पर काम करना है। अब बिहार के जो मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के पॉलिटिशियन हैं, उनको तय करना है कि केंद्र में हमारे जो मंत्री हैं इनसे हम बिहार के लिए क्या करवा सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी बनेगी उसके हिसाब से। देखिए, ट्रेडिशनल भाव होता है कि हमको रेलवे मिले। अब रेल के बहुत सारे काम प्राइवेट के हाथों में चले गए हैं,
लेकिन जो दुनिया बदली है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में, जो अर्थव्यवस्था को, जीवन को देखने के, विकास को देखने की, शिक्षा को देखने की, युवाओं के मतलब उन्नति देखने की, और किसी को किस ढंग से सम्मान मिलता है समाज में, किसको चाहिए, ये सब देखने की जो प्रवृत्ति बदली है ना, उसके हिसाब से आप देखें तो इस समय डेयरी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरी दुनिया में क्षेत्र है, पंचायती राज डेयरी जो है, डेयरी पर आ रहा हूँ, डेयरी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो आपके बिहार के लोगों को पंचायती राज के साथ डेयरी भी मिला है, पशुपालन मिला है। पशुपालन कोई सामान्य तो है, इस समय पशुपालन का व्यापक है, दूध के क्षेत्र में भारत जो है दुनिया के लिए अलग अलग उसके सामान बनाए जा सकते हैं, प्रोसेसिंग हो सकता है। और बिहार का मैं हमेशा मानता रहा हूँ कि बिहार के विकास की दृष्टि से कृषि को, कृषि पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। दूसरा कृषि के साथ जुड़ा हुआ है पशुपालन, और कृषि से जुड़े हुए जो उद्योग हो सकते हैं, जो वहाँ के स्थानीय संसाधनों के आधार पर, स्थानीय स्किल के आधार पर उसका विकास किया जा सकता है। और उसके लिए आपके बिहार को MSME भी मिला है, आपको पंचायती राज मिला है, आपको पशुपालन मिला है, और आपको डेयरी भी मिला है। तो ये तो साथ साथ आपके पास जो फूड प्रोसेसिंग जो उनको मिल रहा है, क्या नाम है, उपभोक्ता, चिराग पासवान को जो मंत्रालय है, फूड प्रोसेसिंग है, वो बहुत बड़ा मंत्रालय है। तो इस समय अगर बिहार की दृष्टि से देखिए तो बाहर बड़े कारखाने लगाओ, अगर इन तीनों पर फोकस हो तो अगले 5 साल में बिहार का जो आर्थिक मानचित्र है, लोगों की जो वित्तीय दशा है, उसमें आमूल बदलाव आ सकता है। समय बदल गया है। इस समय दुनिया में खाने पीने में शुद्धता की मांग है, मोटे अनाज की मांग है, उसमें हम बहुत, हमारे यहाँ जौ पैदा होते थे पहले, अब पैदा हो रहा है, हमारे यहाँ मसूर पैदा होता था, हमारे यहाँ जो आजकल जो वो जिसको बहुत महंगा बेचता है, सामा होता था, कोदो होता था, इस समय कोदो के चावल की इतनी मांग है दुनिया में कि लोग जानते ही नहीं है। बिहार में कोदो होता था, जो अपने यहाँ अलुआ होता था, शकरकंद, उसका कितना प्रचार है, वो सब छूट चुका है। तो वो चीज़ें अगर इस समय हमारे यहाँ होते हैं, उसके आधार पर फूड प्रोसेसिंग होता है, उसके आधार पर MSME काम करता है, साथ साथ उसमें डेयरी डेवलपमेंट है, अगर प्लानिंग करके इस समय बिहार की सरकार और आप जैसे पत्रकार लोग हैं इस पर डिस्कस करा करके कि हमारे देश की कृषि, खासकर जो प्राकृतिक खेती पर प्रधानमंत्री जोर दे रहे हैं, वो पशुओं पर आधारित खेती होगी, वो गाय पर, खासकर देसी गाय पर आधारित वो खेती है, कि अगर किसी के पास एक अच्छा देसी गाय है तो 5 एकड़ की खेती कर सकता है, उसमें उर्वरक की आवश्यकता नहीं है, उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। ये नहीं कि हमको रेल मंत्रालय मिल जाए, अब रेल के बारे में हमारे देश के लोगों को पता ही नहीं है कि महात्मा गांधी रेल बनने का विरोध करते थे। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत के विनाश के 3 कारण है, रेल, वकील और डॉक्टर। आज किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि अंग्रेजों ने रेल को क्यों बनाया था, आज आपकी आवश्यकता में शामिल है। रेल मंत्रालय से आपको, ये रेल मंत्रालय का मतलब होता है हमारे यहाँ एक रेलवे का ऑफिस खोल देना, कारखाने का, ये सब ट्रेडिशनल अप्रोच थे। इस ट्रेडिशनल अप्रोच से विकास नहीं हुआ है। आपके यहाँ मंडल के कार्यालय खुल गए, उससे विकास नहीं हुआ है, 5 लोगों को नौकरी मिल जाएगी स्थानीय, विकास के ये सब चीज़ें हुई हैं जो अभी आपके पास मिल रही है। ये मंत्रालय की बात तो हो गई, लेकिन जो एक बात बिहार को लेकर के कही जा रही है कि जाति की छाती पर बिहार की राजनीति नाचती है, और इस बार जो है 2 भूमिहारों को बाकी ऐसे ऐसे करके टिकट, ये विभाग मंत्री बनाया गया, राजपूतों में एक गुब्बार है, और वो सोशल मीडिया पर भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो क्या मतलब जातीय केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द रहने वाली बिहार की राजनीति या जो हिंदी पट्टी क्षेत्र हैं, इसका क्या असर बिहार में दिखेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैंने भी बिहार में बहुत काम किया है, दुर्भाग्य से इस बार जाति प्रबल है। अयोध्या मूवमेंट के समय हमने देखा है, वहाँ JP मूवमेंट के समय हुआ, अनेक ऐसे घटनाएं हुई हैं, जब प्रेस बिल जगन्नाथ मिश्रा लाए थे, सारी जातियाँ उठ के एक साथ खड़ी हुई थी। जातीय संघर्ष जो पैदा हुआ ना 80-90 के दशक में हमारे यहाँ हुआ, बहुत दारुण व्यवस्था थी, नहीं तो गांव में जाति भेद तो हमारे यहाँ थे, लेकिन सबके संबंध रहते थे। हम लोग गांव में पैदा लिए, कभी कोई मारपीट हो, कभी कोई खून खराबा हो, जातीय लड़ाई हो, ये हम लोगों के समय बचपन में से लेकर के और विद्यार्थी बाद के काल में आए हैं, लालू जी के काल में सब बिहार में बहुत भयावह परिस्थिति बनी है और उसी काल में बिगड़ा है, क्योंकि टिकट बंटवारे के दौरान भी जाति को देखा जाता है। तो इस समय क्या है कि इस बार दुर्भाग्य से जो चुनाव है हमारा, उसमें जाति एक प्रबल कारक के रूप में उभरा है। जैसे लालू जी ने
नीतीश जी को लगता था कि नीतीश जी का जो है कुर्मी और कोयरी वोट है, तो उसमें से कोयरी को काटने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोयरी को टिकट दे दें, और उसका असर दिखा है एकदम से। लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम से, हिंदुत्व के नाम से 2014 में हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह लोगों ने जाति से ऊपर उठ के वोट दिया था। मैंने यादवों को भी, लोग आज करें, यादवों को भी भाजपा के पक्ष में मतदान करते हुए देखा था। मुझे लोग फ़ोन करते थे कि इस बार तो हम लोग मोदी को ही देंगे। तो जाति के आधार पर मतदान करना ये सबसे शर्मनाक है। आप एक जाति से किसी का काम नहीं चल सकता है, उससे परिणाम प्रभावित होते हैं कि कोई योग्य उम्मीदवार हार जाता है। आपके बिहार के इस बार के परिणाम में भी जाति कई जगह दिखा है, जिसके कारण परिणाम बहुत बुरे आए हैं। कई जगह अच्छे परिणाम जो हो सकते थे बिहार के लिए, तो वो तो अब लोगों को तय करना है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो एक जाति से क्या हमारा काम चल जाता है। और बिहार को इस बदनामी से भी उठना है। देखिए, इस बार क्या हुआ कि राजपूतों को लेकर के, ये कभी अब तो मंत्री नहीं है, पूर्व मंत्री थे, गुजरात के बड़े नेता थे, उनका एक बयान आ गया था, किस संदर्भ में उन्होंने कहा है वो नहीं है, और उसके कारण बड़े बड़े राजपूतों के सम्मेलन हुए, क्षत्रियों का। किसी जाति को अपमान लगेगा तो वो सम्मेलन पाला ने जो कहा, हाँ वो मैं नाम नहीं लिया, तो वो जो है वो करेगा सम्मेलन। लेकिन किसी को भी ये सोचना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति के बोल देने से कोई जाति अपमानित हो जाएगी, उस जाति का, हर जाति का। भारत में देखिए, भारत में जाति व्यवस्था हमारे देश की ताकत रही है। अंग्रेज जाति तोड़ना चाहते थे, हम लोग कभी जाति तोड़ने के में पक्ष में नहीं था, जाति भेद खत्म करने के पक्ष था, क्योंकि जाति समाज की ताकत है, उसी पर। आज तो लेकिन वैसी जाति है नहीं। तो वो जो हुआ है कि हर जाति का हमारे देश में कंट्रीब्यूशन है, देश में क्षत्रियों का, ठाकुरों का, साधारण कंट्रीब्यूशन थोड़े है, देश को बचाने में, काम करने में हर जाति का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर अपमानित हुआ तो फिर बातचीत करके उसको खत्म करना, वो चीजें चलती है। अब कोई एक आदमी कोई बोल दे, उससे पूरे भारत की जाति प्रभावित हो जाए कि हम इस सरकार के विरोध है, उतना ही नहीं है, इसके पीछे राजनीति हुई है। जानबूझ के इसको, इस देश में बहुत सारे देश विरोधी तत्व हैं, जो हमारे यहाँ के दिल्ली की लुटियंस मीडिया है, जिसको अरुण जेटली ने खान मार्केट गैंग कहा था, जिसको मोदी जी खान मार्केट गैंग कहते हैं, और हमारे अशोक श्रीवास्तव जी मित्र हैं, उनकी अभी ये किताब भी आई है खान मार्केट गैंग पर। तो ये जो खान मार्केट गैंग है ना, वो इन चीज़ों को आग लगाता है, उसको लंबे समय से एलर्जी है RSS से, BJP से, नरेंद्र मोदी से, वो सब कुछ सहन कर सकता है, देश नष्ट हो जाए लेकिन ये सत्ता में रहे तो उसको किसी भी प्रकार से बढ़ावा है, वो जाति के संघर्ष पैदा कर सकते हैं, किसी जाति को भड़का सकते हैं, संप्रदाय को भड़का सकते हैं। तो उसके पीछे ये भी ताकत लगी है कि चार लाइन हो तो उसको पूरा सोशल मीडिया पर देश और दुनिया में चलाओ और भड़काओ। तो उससे सचेत रहने की जरूरत है। बिहार के लोगों ने इस बार जरूर किया होगा, मुझे लगता है लोगों को इस समय अफसोस हो रहा होगा। इतना तो पता चल ही जाता है ना, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप लोग बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि मैं देश भर में काम करता हूं, बिहार हमारा क्षेत्र है कि अच्छे लोग हमारे नहीं जीते। लेकिन कुल मिला के फिर भी बिहार के परिणाम अच्छे हैं, और यहां से बिहार में जो कुछ राजनीति में विभाजन हुआ है, अब उसको खत्म करके सबको मिलजुल के काम करने की जरूरत है।